Om Jnanatim Randasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Namilitam Ena Tasmai Shri Gurve Nama Sri Chaitanya Manobhistam Isthapitam In Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swabda Tikam Vande Aham Shri Guru Shri Utpad Kamalam Shri Guru Navaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhanvitascha He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Radha Kant Namostute Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirait Nashta Prayesu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavate Uttam Ishloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Om Shanti 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 Pranam Jai Gopal mere priya behan bhaiyo satsang premi jano swagat hai aap logon ka Srimad Bhagavad Gita satsang samaroh mein आइए इसका रस पान कीजिए भक्ति रस की वर्षा हो रही है उसका आनंद लीजिए श्रीमद् भागवत गीता के मिडिल के बीच वाले 6 अध्याय पूर्णतया भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं जीवात्मा को 1 से 6 तक अध्याय कर्म की रूपरेखा ध्यान की रूपरेखा ज्ञान की रूपरेखा में है कहे हैं भगवान ने 7 से और 12 तक 6 अध्याय जो है भक्ति के रस में विभोर है कहिए कि भक्ति रस की बारिश हो रही है इन अध्यायों में बाकी ज्ञान को और विस्तार से भक्ति को कर्म को और विस्तार से कहा गया है आगे वाले 6 अध्यायों में यानी कि 13 से और 18 अध्याय तक इसलिए जो बीच का धड़ जो 6 अध्यायों का धड़ स्वरूप है ये भागवत गीता का धड़ कहलाया है और अगल बगल के दोनों पंख हैं ये दोनों पंखों से भागवत गीता ज्ञान को लेकर उड़ती है पूरे ब्रह्मांड में सबको लाभान्वित करती है गीता का सत्संग महासत्संग है जीवात्मा के कल्याण के लिए तो आइए आज के सत्संग में हम प्रारंभ करते हैं पिछले सत्संग की कड़ी से आज की कड़ी को जोड़ते हुए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 है और श्लोक संख्या 30 31 32 है भगवान ने इन श्लोकों में कहा है कि कोई दुराचारी आदमी भी हो दुराचरण करने वाला पापिष्ट हो सदना कसाई जैसा भी वह भी भगवान की शरण लेकर के
पवित्र हो जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान ने कहा है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी नैमे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्ते, एक दुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण लेकर के शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। तो दो वस्तु यहां पर है, एक तो धर्मात्मा है, एक दुरात्मा है। दुरात्मा है जिसकी भावना गंदी है, वो गंदी भावना बुरे कर्म करती है, बुरा व्यवहार करती है, तो उसको दुरात्मा कहा है। और धर्मात्मा है जिसकी भावना शुद्ध है, पवित्र है। तो धर्मात्मा मिलना बड़ा कठिन है। धर्मात्मा उसी को कहा है जिसकी भावना पवित्र हो। यह आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और इसकी जो भावना है, ओरिजिनल स्थिति, ओरिजिनल नेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, जब ये पवित्र आत्मा के रूप में है उस समय इस पवित्र आत्मा जो होती है जिसमें प्रेम भरा रहता है, ज्ञान भरा रहता है, दया क्षमा भरी रहती है, सारे गुण विद्यमान होते हैं, वो धर्म, धर्म का मतलब ही स्वभाव से है, वो ओरिजिनल स्वभाव, आपका मूल स्वभाव, तो मूल नेचर, मूल प्रकृति। तो आपकी मूल प्रकृति क्या है? प्रेम स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा है, क्षमा स्वरूपा है, सत्य स्वरूपा है। तो जो आत्मा के साथ में ये पवित्र भावना होती है तो इसको धर्मात्मा कहा है। और जब इसी आत्मा के साथ में गंदी मलिन भावना होती है तो इसको दुरात्मा कहा है। क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, ऐसा दुराचारी व्यक्ति जो मेरी शरण लेता है, मुझे भजता है, वाल्मीकि जी की तरह मराम राम 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 राम, या सदना कसाई की तरह भक्ता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शीघ्र शीघ्र ही जो परमेश्वर की शरण में रह के उस भगवान को भजता है, उनकी सेवा करता है, उनका भजन करता है, उनके लिए नाचता गाता है, उनको रिझाता है, उनको रिझाने के लिए कर्म करता है, सब कर्म करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, उनका फल भगवान को अर्पण करता है, सत्य को अर्पण करता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, तो ऐसे व्यक्ति को शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है, इटर्नल पीस। यहां युद्ध होते हैं तो हल्ला मच जाता है, लोग भयभीत हो जाते हैं। जब युद्ध बंद हो जाता है एक दो देशों का तो बोलते हैं शांति हो गई। ये शांति कितने दिन होगी? ये शांति की वैल्यू क्या है? और ये शांति भी क्या खाक शांति है? इस शांति में फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले युद्ध की, अगले देश के साथ। तो ये शांति भी शांति नहीं है, ये तो तैयारियां हैं अगले युद्ध की। जो भगवान कह रहे हैं ये शांति शाश्वत शांति है, इटर्नल शांति, सनातन शांति। और सनातन शांति तो भगवान के धाम में ही मिलती है, वैकुंठ में मिलती है, ये भौतिक संसार में नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी नैमे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती नंदन, तू घोषणा कर दे कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता।
देवी देवताओं के, और जब हम जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है रावण शंकर भगवान का भक्त था, हिरणाक्ष ब्रह्मा जी का भक्त था हिरणाकश्यप, ऐसे अनेकों भक्तों की गाथाएं हैं जो देवी देवताओं के भक्त थे और उनका नाश होता है, नष्ट होता है, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं से वो संसार के भोग मांगते हैं, नष्ट हो जाते हैं। रावण भी अपने सरों को काट काट के हवन करता है शंकर भगवान के लिए, आहुति देता है यज्ञ में, किस लिए? संसार के भोग मांगने के लिए, सोने की लंका मांगने के लिए, कुबेर से लंका छीनने के लिए। फिर क्या हाल हुआ, सोने की लंका भी जल गई, उसका परिवार भी जल गया, सारे राक्षस सर्वनाश हो गया। हिरणाकश्यपु का भी यही हुआ, ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान मांगे, फिर भी नरसिंह भगवान ने आके उसको चीर फाड़ के खत्म किया, असुर कुल को ध्वंस किया। हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, वैष्णो माता के पास जाते हैं, संसार की वस्तु मांगते हैं कि मैया मुझे पुत्र देना, मैया मुझे पुत्र देना, बहुत समय हो गया कोई एक पुत्र भी नहीं हुआ, एक पुत्र देना। उनके आशीर्वाद से एक पुत्र मिल जाता है तो क्या आपका कल्याण हो गया पुत्र के मिलने से, या कार के मिलने से, या पद के मिलने से? नहीं, इन भोगों में उलझ के आपका पतन होता है, कल्याण नहीं होता। पूत का भी क्या पता है, वो सपूत है या कुपूत है, कैसा निकले भविष्य में, आपको ऊपर से नीचे गिराने वाला पुत्र पैदा हुआ है या थोड़ा ऊपर ले जाने वाला उठाने वाला हुआ है, समझ में नहीं आता, बात अंधेरे में ही रह जाती है। नहीं, संसारिक भोग विलास मांगोगे तो पतन ही होगा निश्चित रूप से। स्वर्ग में भी भोग विलास करते करते ही तो पूर्ण खत्म होते हैं, और देवताओं को नीचे आना पड़ता है, उनका पतन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि नैमे भक्ता अप्रणश्यति, अर्जुन घोषणा कर दे शंख बजा करके कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि साक्षात नारायण उसकी रक्षा करते हैं, उसको अपने धाम इटर्नल आध्यात्मिक जगत में बुला लेते हैं, वैकुंठ जगत में बुला लेते हैं। वैकुंठ जगत में नाश नहीं है, वहां भक्तों का नाश नहीं है, वहां तो अजर अमरता है, वहां सच्चिदानंद शरीर की प्राप्ति होती है, सच्चिदानंद आत्मा को, और सच्चिदानंद तरुण शरीर से वो सच्चिदानंद घनश्याम को, तरुण घनश्याम को सदैव आनंदित करते रहते हैं उनके भक्त, परम शुद्ध भक्त उनके आलिंगन में रहते हैं, उनके एसोसिएशन में रहते हैं, उनके साथ आनंद मग्न रहते हैं, उनका नाश कैसे होगा? इटर्निटी का नाश हुआ है कभी? कभी नहीं होता। आत्मा का नाश हुआ है कभी? कभी नहीं होता। लेकिन यहां पर जो भौतिक, ये सब नष्ट होता है, और देवी देवताओं का अधिकार नहीं है आपको मुक्त करने का। देवी देवता यदि किसी के ऊपर प्रसन्न हो भी गए तो उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, भौतिक वस्तु का वरदान दे सकते हैं, संसार के भोगों का, मुक्ति का नहीं, मोक्ष का नहीं। और ऐसे भौतिक भोगों के लालायित आदमी वो शंकर भगवान की आराधना करके भी मुक्ति नहीं मांगते, वो तो भोग विलास मांगते, सोने की लंका मांगते, या फिर तरह तरह के वरदान मांगते, मैं जल में मरूं ना, थल में मरूं ना, दिन में मरूं ना, रात में मरूं, आकाश में मरूं ना, धरती पर मरूं, नर से मरूं ना, बानर से मरूं, तो आशीर्वाद तो दे देते हैं ब्रह्मा, लेकिन फिर भी कमी रह गई और फिर नष्ट हो जाता है आदमी।
भगवान कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता, वो शाश्वतता को प्राप्त हो जाता है, अजर अमरता को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जब भगवान के धाम में जाता है, वहां उसको भी वैसा ही शरीर मिलता है जैसा भगवान का शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद शरीर की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने आध्यात्मिक शरीर देखे हैं, सुने हैं, लेकिन कभी सुना नहीं होगा आपने कि हम भौतिक शरीर तो सुने हैं लेकिन आध्यात्मिक शरीरों के बारे में नहीं सुना होगा। नहीं, जैसे भौतिक शरीर होते हैं ऐसे ये भौतिक संसार है, तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में जाओगे तो वहां पर आध्यात्मिक शरीर मिलते हैं। तो संदेह यह होता है कि हमने कभी जाना नहीं, अनुभव भी नहीं, फिर शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं, कोई सत्संग भी नहीं, फिर जाने कहां से। ये वैष्णव के वाक्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के वाक्य हैं, शास्त्रों के वाक्य हैं, वेद व्यास जी की लिखावट है कि भगवान के धाम में जो भगवान को साकार स्वरूप से पाना चाहते हैं उनको साकार शरीर मिलते हैं, वो साकार शरीर से भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान का आलिंगन करते हैं, वो परम आनंद को लूटते हैं। निराकार के प्रेमी निराकार में जाते हैं, वहां मर्ज होते हैं निराकार, वो ज्योति स्वरूपा अनंत ज्योति में मर्ज हो जाते हैं, जैसे बूंद सागर में समा जाती है, ठीक वैसे ही अनंत बूंदों से सागर बना है, एक बूंद आके फिर उसमें मिल जाए तो वो भी सागर बन जाती है, आईडी खो जाती है, परिचय खो जाता है, एक जैसी ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है। ब्रह्म ज्योति में अनंत आत्माएं हैं, संदेह नहीं, लेकिन लगेगा एक ज्योति, एक प्रकाश, करोड़ों लाखों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसे प्रकाश ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक प्रकाश, वो भी ईश्वर का एक रूप है। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक विराट स्वरूप है, वो आध्यात्मिक स्वरूप है, लेकिन भगवान का साकार स्वरूप ब्रह्म ज्योति से परे है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्, ये ब्रह्म ज्योति का बेस आधार भी मैं हूं, प्रतिष्ठा यानी आधार। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्, अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ये भी अजर अमर है, शाश्वत है, आनंद देने वाली है, अद्वैत स्वरूपा है, धर्म स्वरूपा है, ओरिजिनल नेचर है, स्पिरिचुअल नेचर है, धर्म स्वरूप है। शाश्वतम च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य, और सुख देने वाली, आनंद देने वाली है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य, अमृत स्वरूपा है, अव्यय स्वरूपा है, क्षय नहीं होती, राश नहीं होता ब्रह्म ज्योति, लेकिन मेरा साकार स्वरूप यह भी मेरा स्वरूप है। भगवान ने विराट स्वरूप दिखलाया अर्जुन को, कहा अर्जुन ये मेरा विराट स्वरूप है, ये सारा भौतिक, लेकिन भगवान कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति भी मेरा स्वरूप है, वो आध्यात्मिक स्वरूप है, स्पिरिचुअल नेचर है मेरी, लेकिन मैं उसका बेस हूं आधार हूं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्, मैं इस ब्रह्म ज्योति का आधार हूं, ये मेरे धाम से प्रकाशित लाखों सूर्यों जैसा प्रकाश, इटर्नल लाइट ब्रह्म ज्योति है। श्याम सुंदर तरुण अवस्था में है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम।